हाय दोस्तों, रिपब्लिक डे आ रहा है और आप भी रिपब्लिक डे के रिलेटेड कुछ वीडियो एडिट करना चाहते होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी ये वीडियो देखी, आप भी अगर चाहते हैं इस तरह का वीडियो बनाना तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। मैं आप सभी को बता दूंगा कितनी आसानी से आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं देखे सीखे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को करना क्या होगा, अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से कुछ इस तरह से आप सभी को दिखाएगा। तो डिलीट पे क्लिक करके न्यू टैब को डिलीट कर लेना है। और यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट पे डबल क्लिक कर लेना है। और यहाँ से इसे डिलीट करके आपको कोई भी नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिलहाल यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद से दोस्तों, आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है। आप जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट आप सभी को अच्छा लगे वो रख लीजिए। मैं ये वाले फ़ॉन्ट को रख लेता हूँ और इसे ऐसे ड्रैग करके भी इसकी फ़ॉन्ट को आप बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप सभी को फ़ॉन्ट बड़े करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद से दोस्तों, आपको करना क्या, यहाँ टेक्सचर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करके गैलरी से एक फ़ोटो को ले लेंगे। तो ये वाली फ़ोटो मैंने डाउनलोड की थी अपने इंडियन फ्लैग वाले, जो कि काफ़ी शानदार दिखता है हमारा फ्लैग। इसे लेके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ से करेंगे क्या है दोस्तों, यहाँ से इनेबल कर देंगे, जो कि मेंटेन रेशियो है वो मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद से दोस्तों, अभी करना क्या है हमको, यहाँ पे चले आना है स्ट्रोक पे। स्ट्रोक पे इसे इनेबल कर देंगे और ओके कर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से इसे सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। उसके बाद से हम अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट करेंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे दोस्तों। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। वीडियो के हिसाब से अपनी लेयर को यहाँ से कट कर लीजिए। अब यहाँ पे करना क्या, इसे प्ले करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रही है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ख़त्म हो रही है। तो यहीं पे हम इस वीडियो पॉज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे ओके। अब यहाँ पे यहीं पे सिलेक्ट करके दोस्तों लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और जो हमने अभी जो फ़ॉन्ट को यहाँ पे एडिट किया था उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे ले लेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद से दोस्तों इसे एडजस्ट कर लेना है। इन एनिमेशन पे आप सभी को स्लाइड राइट वाला एनिमेशन दे देना है। उसके बाद से यहाँ से ओके करना है। फिर यहीं पे रख के दोस्तों लेयर पे क्लिक करना है, एफएक्स पे क्लिक करना है और आप सभी को यहाँ पे एक मिराज नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आप सभी को यहाँ पे ले लेना। अगर नहीं है तो यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करके आप उसे ढूंढ के डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद से दोस्तों कुछ इस तरह से ये दिखेगा यहाँ पे। तो इसको भी मैं इसकी भी इन एनिमेशन स्लाइड राइट कर लेता हूँ थोड़ा और यहाँ पे कर दूंगा ओके। अब इसे प्ले करके देख पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहाँ पे काफ़ी कंप्लीट बन चुकी है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके अपने साइज़ के हिसाब से इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को करें लाइक। अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।